हाय, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या कर रहे हैं हम अभी मैं अपने गार्डन में घूम रही हूँ। तो सुबह सुबह का ठंडा हवा, ये ठंडी हवा, नीला आसमान, हल्का लाले लिए हुए सूरज निकलने ही वाले हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने। मैं छत पर ही अपना गार्डन बनाई हुई हूँ। ये गार्डन का एक हिस्सा है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स, एक कनेर है, ये बड़ा बड़ा कनेर का। ये हाथी महाराज हैं, पान का पत्ती है जो लटक रहा है हाथी को खाने के लिए। एक हाथी इधर है और छोटा छोटा हाथी भी पास में, बच्चा हाथी अपने माँ पिताजी के साथ टहल रहा है गार्डन में। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से है हमारा बगीचा। ये बैम्बू है, बांस का। ये नींबू है, इसमें का सारा नींबू टूट गया है अब, और इसे हम लोग लक्ष्मण बूटी बोलते हैं। ये नींबू है, ये नींबू है गमले में। नींबू और अनार छोटा छोटा पौधा था। अनार का तो हमने डाली एक छोटा सा एक बिता का लकड़ी हम इसमें गाड़ दिए थे। हम सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा भी हो जाएगा। और नींबू का तो खरीद कर रोपे थे। सो देखिए फ्रेंड्स, दोनों बहुत बड़ा हो गया है। लगता है कि अब हमें इन्हें अलग कर देना चाहिए, क्योंकि दोनों में फल लग रहे हैं, अनार और नींबू दोनों में। सो एक गमला में तो सही नहीं रहेगा, इसलिए हम इन्हें अलग करना चाह रहे हैं। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, कैसा है मेरा गार्डन। अभी तो कुछ कलर का काम हो रहा है घर में। सो उसी के साथ साथ हम अपना गमला भी कलर कर लेंगे। इधर जाने का तो रास्ता नहीं है इधर के गार्डन में, फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि घर में अभी कलर का काम हो रहा है। दीपावली आ रहा है पास में। ये देखिए हमारा मनी प्लांट, इसको रिपोर्ट करना है। बहुत बुरी तरह फैल गया है, इसे हमें कट करके फिर से लगाना है। इधर का गार्डन है। सो देखिए सबको अब डब्बे को कलर करके हमें सही करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात में सब के सब खराब हो गया था डब्बा। ये देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं दीवार पर, दोनों हंस रहे हैं। और एक है ये स्वीट पोटैटो वाइन, इसको हम लोग शकरकंद बोलते हैं। सो हमने लगाया हुआ है फ्रेंड्स। ये पान का बेल है, हमारे यहाँ तो अक्सर पूजा पाठ होते रहता है, उसी में सारा पत्ता टूट गया है दशहरा में। हम लोग इसको तोड़ तोड़ कर यूज किए हैं पूजा में। तो कुछ ऐसी चीज, ये मॉस रोज है, और इसमें हमने कलम लगा दिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये है
बिन का नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम अभी हमें याद नहीं आ रहा है, इसको बिन का तो नहीं बोलते हैं, पर ये डहालिया का है। इसमें फिर डबल चांदनी पैटर्न का इसमें रूप दी थी, वो भी हो गया है। ये फिर स्वीट पोटैटो है, जिसको मैं नया पौधा लगाती हूँ वो छाँव में रख देती हूँ। सो मेरा सारा का सारा लग गया है पौधा। इसका नाम आप लोग को याद हो तो लिखिएगा फ्रेंड्स कमेंट में, अभी बहुत याद कर रही हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है इसको क्या कहते हैं। हमारा छत है हरा भरा, ये स्ट्रॉबेरी देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी का पौधा हमने पिछले साल 3 पौधा खरीदा था नर्सरी से, जिसमें 3 से ढेर सारा हो गया। हमें लगता है कि 10-15 से ज़्यादा ही हो गया है, जिसको हमने अलग अलग करके सब में लगा दी है देखिए। और सारा गमला है इधर उधर रख दिए हैं, पौधे देखिए फ्रेंड्स। एक ये सेब का डब्बा था, गमला नहीं रहने के कारण मैं इसमें भी रोक दी हूँ। फिर उधर देखिए, वहाँ भी स्ट्रॉबेरी है रंगून के बगल में। ये देखिए फ्रेंड्स, यही फूल है, हमें नाम याद नहीं आ रहा अभी, मैं कुछ देर के बाद फिर देखती हूँ। ये अमरूद है, इसी में हो गया है, तो इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा अलग अलग डब्बे में। और ऊपर का भी देखिए, ये डब्बा छोटा छोटा डब्बा, इसको हमने कितना अच्छा फल फूल रहा। सबको कलर करना पड़ेगा डब्बों को, जैसे तैसे अब हो गया है। ये देखिए भाई बहन है लोग, ये हमारा गार्डन है, छत तो बिल्कुल जंगल जैसा हो गया है। अब सोचती हूँ मैं इन पौधों को थोड़ा छोटा छोटा करके सेफ दे दूं, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है। इनके साथ देखिए एक कमोला भी जम गया है, तो आम का अलग करना पड़ेगा। एक कामनी है, इसको भी अलग करना पड़ेगा। एक कामनी है, ये दोनों कामनी है, इसको मैं अलग रिपोर्ट करती हूँ कल। और इसको भी देख रही हूँ कब रिपोर्ट करती हूँ। सो जो डब्बा हमारे यहाँ खाली बच जाता है, वाटर बोतल का हो और बैटरी में पानी रखने वाला जो डब्बा आता है डिस्टिल वाटर का, उसका भी मैं रख देती हूँ, गमले में इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मटका है बिटिया के शादी में, 8 साल हो गया अभी तक मैं रखी हूँ इसको संजो कर, इसको भी कलर करना है दीपावली के साफ सफाई में। ये सब सारा डिब्बा और कुछ, ये बरसात में कितना गंदा हो गया है गमला, सारा का सारा कलर करना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कमेंट में लिखिएगा और हमें इसको सुधार करना है। ये छत तो पूरा जंगल बन गया है, इसलिए इसको काट काट कर फूल को छोटा करना पड़ेगा।